राम राम जी सारा ने। और सब कैसे हो आप सब? उम्मीद करूँ कि सब बढ़िया होंगे। तो आज का व्लॉग काफ़ी लेट शुरू करा मैंने, क्योंकि सुबह के टाइम तो इतना टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि सुबह काम बहुत घना हो गया था। सुबह 4:30 बजे तो मैंने मशीन लगा ली थी, कपड़े वगैरह धोए, और फिर तूड़ा आना था सुबह के 9 बजे का टाइम दे रखा था तूड़े वाले ने भी, लेकिन आया वो काफ़ी लेट था, 10:30-11 बजे के करीब। तो फिर दिन में तो मैंने साफ़ करा नहीं बगड़, लेकिन ईव करूँगी, 6 का टाइम हो रहा है, क्योंकि दिन में काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, तो हवा में तूड़ा संगवाण में नहीं आवे, तो ईव हवा थोड़ी कम हो रही है, तो ईव देखो के हाल हो रहा है बाहर। तो दोनों अपनी पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जयंत अभी लेके आया है पतंग। अरे देखो बकड़ में क्या हाल हो रखा है। पहले तो झाड़ू लगाऊंगी, फिर उसके बाद सबमर्सिबल चला के मैं धो दूंगी इसने। तो भाई रोटी तो बनाऊंगी नहीं, इतनी गर्मी में आज कई दिन तक दलिए का जी हो रहा था, तो एक दलिया बनाऊंगी। वो तो कई दिन लेट थोड़ी अपनी भारिया लगा कर हरे को दर दूंगी मैं। झाड़ू तो लगाती, लाइट आई नहीं है, तो लाइट आने के बाद बगड़ने दूंगी।
इन्हें हारा लगा के ने आरा से लगा दिया है। इतना पानी गर्म होगा गदलिए तो इतने में दलिया छान के ने अरे बढ़िया डाल दो दूंगी उसने। इतना पानी भी बढ़िया डाल गर्म हो जाएगा। लाइट भी आ गई भाई, दोंगी पकड़ और आँच देखियो हार रही है ना बुलंद जागत वाली अभी पला पकड़ इतने दलिया रहा इतने गला पकड़ तो दूंगी तो तो हर्ष और उसके ताऊ कलड का गेहूं लेके जा रहे हैं चक्की पर रखने तई आटा एक ही टाइम का रह रहता था तो गेहूं दो रखे थे तो पिसवा के लेने थे पीसने तो घर भी पीस लेते हैं पर क्या करूँ चक्की की मोटर चल रही है तो इस वजह से चक्की पर पिसवा कर लेना पड़ा है। इब इतना ब्योत नहीं है भाई मारा कि जो हम इब मोटर ना ठीक करा ले उसमें भी 2,500 रुपये लाग जाएंगे ठीक कराने में तो ज्यादा चक्की पर पिसवा में तो
रसोई मैंने सारा पकड़ भी धो दिया था, दलिया रंधन लग रहा है। और आज का व्लॉग इतना ही भाई। हाँ, जो कल सामान खरीद के लेगा वो और दिखाना है मैंने अभी, तो वो और दिखाऊँ अभी। तो कल सोनीपत गए थे भाई, तो मैंने दिखा दूँ भाई कल के लेकर आई मैं। एक तो लेकर आई कल ये मिल्टन का टिफिन, टिपना बिना भी दुखी हो रहे थे बड़ा थे, तो स्टील के टिपन थे, उनमें सब्जी वगैरह निकल जा रही और सारा बैग खराब हो जाता। तो ये मिल्टन का लेकर आई हूँ मैं एक सेट, तो इसमें दो डिब्बी मिली थी और दो प्लास्टिक की चम्मच है। एक फिर ये लेकर आई ठीक ग्लास के, भाई बच्चे लस्सी वगैरह ले जा तो सही काम आ जा है, बोतल में ना लेके जानी पड़े, बच्चा ने बोतल में लेके जा है प्लास्टिक की में तो उसमें पीने में दिक्कत हो जाए, इसमें पीने में भी दिक्कत नहीं होती, ग्लास का ग्लास यूज हो जाए बोतल की तरह। एक सेट फिर ये डिब्बा का लेके आई मैं, अभी तक खोला भी नहीं है, ये एक एक किलो के तीन डिब्बे लेके आई थी क्योंकि रसोई में मैंने जरूरत थी डिब्बा की। और एक ये लाइनिंग लेके आई थी अपने सूट से ही, ये लाइनिंग बहुत महंगी पड़ गई, मैंने सेंटोन की लाइनिंग लेके आई थी क्योंकि सूट ऑर्गेन्जा का है मेरा, तो ऑर्गेन्जा और जॉर्जेट के फैब्रिक में लाइनिंग इसकी सेंटोन की सबसे बढ़िया रहा है, इससे सूट की क्रेस बहुत बढ़ जाए, बहुत बढ़िया लगा है उसके बाद। तो बस यही सामान लेके आई थी, एक पोचा लेके आई थी और थोड़ा बच्चा के खान पीन तई लेके आई थी। तो भाई आज का व्लॉग इतना ही, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना भाई, थैंक यू।